उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना है, जिसके द्वारा से आप हम शक्ति पाए, हमारा सुंदरता, हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन के जीवन में बढ़ेगा। हम दुखी के समय में भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आप में सामर्थ्य देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला वही है। इसलिए आज हमें यूहन्ना के सुसमाचार 14:16 वचन में भी कहता है, यूहन्ना 14:16 को भी पढ़ देंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। थैंक यू। तो यहाँ पर हम 14:16 में मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आप सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज यीशु मसीह साथ नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, साथ रहेगा, साथ रहेगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा को हमें सुखित और दुखित नहीं करना है, आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुसरण करें। जैसा एक कहानी मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति तोता पाला हुआ, आज उस तोता से इतना गहरा संबंध, वो व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, नौकरी पेशा में चला जाएगा या तो कहीं भी चला जाएगा, वो तोता जैसे वो नौकरी पेशा ड्यूटी से लौटेगा, वैसा वो तोता अपने सिर पर, कंधे पर बैठ कर उससे बातचीत करता और उससे बहुत इतना जुड़ा हुआ जीवन, इतना गहरा संबंध था। लेकिन एक दिन वही व्यक्ति एक दिन पी के आया और तोता बार बार जाकर उससे बातें करना चाहती है, लेकिन उसको उस व्यक्ति मारता है और मारता है तो दूर हट जाता है। फिर समझे कि आप मुझसे बहुत मदद कर रहा है मेरा दोस्त, इसलिए और जाती है तो उससे मारता है, पीटता है, फेंक देता है। दो बार तीन बार गई, लेकिन वो व्यक्ति उसको मार पीट कर दिया, तब तोता उड़ के चला गया, उसको छोड़ के चला गया। और उसी तरह से अगर हम बार बार पाप बुराई करते रहेंगे, पाप बुराई करते रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा, बार बार पाप करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा साथ नहीं। पवित्र आत्मा आपको हमको दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में ले। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए मसीह में प्यारो, आज हमें पवित्र आत्मा को हमेशा स्वागत करना है, अपने जीवन में उतारना है और भला काम करना है, अच्छा फल लाने के लिए काम करना है, अच्छा फल लाने के लिए। अच्छा फल तभी लाएंगे जब परमेश्वर के साथ हमारा सुना, अपने पड़ोसी के साथ अपना अच्छा संबंध रहेंगे, छोटे बड़े सभी लोगों के साथ अच्छा संबंध करेंगे, एक दूसरे से हिस्सेदार नहीं पर आज अच्छा संबंध रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। दीवार जो आज के बच्चे में लिखा है, दीवार उन लोग वहां का यहूदी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग सोचते थे कि हमारे लिए तो आज्ञा दी गई है और उस आज्ञा पर हम भरोसा रखते हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग राज दिया गया है, उस स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे, इसी तरह उनका सोच और विचार। और गैर मसीह हमें जैतून को नीच और तुच्छ जानते थे, नीच और तुच्छ जानते थे, अपने आप को बहुत धर्मी मानते थे। इस तरह का जीवन आज हम सबों का भी क्या क्या दीवार हो सकता है, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का दीवार है, उस दीवार को हमें हटाना है। जब वो दीवार हटेगा तब हम एक शांति और शुक्र के साथ जीवन जिएंगे और हमारा परिवार, हमारा मंडली, हमारा कलीसिया, हमारा देश, हमारा हर एक चीज आशीष होगी, आशीष, और हम शक्तिशाली होंगे।
आशीष के बारे में देवता वीरन की पुस्तक 28 उसका 1-14 वचन में पढ़िएगा ना, तो आशीष के बारे में लिखा है और इतनी आशीष से दिया गया है, अगर उस आशीष से हम वंचित हो जाएंगे तो नीचे 15 से आगे तक श्राप का जीवन दिया गया है, श्राप, और उस श्राप कभी हटेगा नहीं। इसलिए मसीह में प्यारो आज आशीष के भागी होना है, श्राप के भागी नहीं। आप स्वर्ग राज का घर का सदस्य, आपको बनाया, हमको बनाया अपने लहू के द्वारा से बोल ली, जिसको आज पहला कुरान 6:20 में लिखा है, पहला कुरान 6:20 लहू से बोल लिया है। परमेश्वर की महिमा करो। थैंक यू। तो आज हम दाम देकर मोल लिए गए, ऐसे साधारण नहीं, आप और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मोल लिए गए हैं। उसकी मूल्य को आज हमें समझना है, उसको पहचानना है, उसको जानना है। मैं और एक कहानी, उसी तरह से एक पादरी नया मंडली में गया उसका, और वहां के मंडली के लोग स्वागत करने के लिए जितने भी गिरजाघर का प्रांगण रास्ता को साफ सुथरा किया कि आज हमारे पास नया पादरी आएगा, आप उसके स्वागत के लिए दूर से इंतजार कर रहे हैं, दूर तक उसको स्वागत करने के लिए निकले हैं, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई कुछ और कर। और पादरी उस दिन गाड़ी में नहीं आया, लेकिन उस तक पैदल आके गिरजाघर पहुंच गया और उनके साथ मिल गया। मिलने के बाद में फिर समय निकल जा रहा है, तो पादरी साहब पूछता है कि किसका इंतजार है। वो भी सोचने लगा कि और किसी को इन्वाइट किए गए, तो सोचने लगा कि और कोई होगा, तो बाद में ढेर समय निकल गया तो पूछता है कि और किसका इंतजार, नहीं हम लोग के पास एक नया पादरी आने वाला है, उसी का इंतजार है। तो बोलता है मैं ही हूँ, है ना, मैं ही नया पादरी हूँ। आज उसी तरह से मसीह में प्यारो, हमारे पास यीशु मसीह आया, आओ चला गया, आज तक हम लोग नहीं पहचान। आज नया पादरी बोलने का, यीशु मसीह हमारे पास आया, आप ये शस्त्र हमारे लिए दिया गया है, वचन दिया गया है, आज सब कुछ दिया गया है, आज इसको हम लोग नहीं पहचान, आज इसलिए पहचानने की जरूरत है, नहीं तो इंतजार करते रहेंगे, है ना। आप यीशु मसीह तो आप ही के साथ, और इसीलिए कहा कि तुम्हारे बीच में सलाम फिरा करूंगा, कहा है आज हमारे साथ सब फिर रहा है, हमारे पास आत्मा को दे दिया है, आज उसको पहचान, जो गलत काम करेंगे वो पहचानेगा कैसे, अच्छा काम करेगा, भलाई काम करेगा, वही ना पहचानेगा। इसलिए आज हमें पहचानने की जरूरत है, अगर नहीं पहचानेंगे और ऐसे ही गिर जा, मैं हमारे बच्चों को 4 प्रकार के एतवार के बारे में बताया था, क्या क्या एतवार है, क्या क्या एतवार है, रविवार, त्योहारी, संस्कारी और अवहारी, है 4 प्रकार का एतवार को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संस्कार के दिन, है ना, 32वां संस्कार होगा, है ना, उस समय संस्कार कराने के लिए गिरजाएगा, इतवारी मतलब इतवार को गिरजा आ रहा है, लेकिन उठ रहा है, बैठ रहा है, यीशु मसीह कौन है, कि बच्चन कहाँ पढ़ा गया, क्या दिया, उठा बैठा और चला गया। और त्योहारी वो पर्व के दिन, जैसे आज के दिन में बहुत सारे लोग, आज के दिन में बहुत सारे लोग, बड़ा दिन के दिन में, और बहुत सारे लोग ईस्टर पर्व के दिन में, त्योहार का मतलब त्योहारी, उसको त्योहारी विश्वासी बोलेंगे, है ना, त्योहारी, अवहारी जो आता है वो आता है, लेकिन समाज बिंदी का कोई माने मन सब ले रहे थे, कहाँ समाज हो रहा है, किस टोला में हो रहा है, एतवार को अवहारी आ गया, भीड़ लगाने की और चला गया उसको अवहारी,
टोला में बाकी दिन समाज हो रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं रखता है, उसको बोलते हैं औहारी। तो मसीह में प्यारो, हम सच्चा ख्रिस्तान बनना है ना, सच्चा विश्वासी बनना है। आज रविवार ख्रिस्तान भी नहीं बनना है, संस्कारी ख्रिस्तान भी नहीं बनना है, और ना त्योहारी ख्रिस्तान भी, औहारी भी नहीं। आज मसीह में सच्चा पूर्ण विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, पहचान के साथ। आज अपना पहचान को खोना नहीं, आपका पहचान आज क्रूस छाप देकर, आज कन्फर्मेशन लेकर आज हम पहचान बनाए। आज आप इतने सारे 31 बच्चे लोगों को सब लोग पहचान है, कैसे पहचान है, व्हाइट कपड़ा पर। ये व्हाइट कपड़ा का पहचान हमेशा बनाए रखना है। आज आपके इन दिन के लिए पवित्रता नहीं है, हमें रोज रोज की पवित्रता का जीवन जीना है, जिसको पहला पत्रस पहला अध्याय का 15-16 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो, है ना। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो, अभी नहीं भूलना है प्यार। ये पवित्रता जीवन जीना है, यीशु मसीह पवित्र है, वो बुला रहे हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, उस पवित्रता में चलना है। ऐसा नहीं कि आज हम रविवार ख्रिस्तान बनेंगे, संस्कारी ख्रिस्तान बने और त्योहारी बने और अवहारी बन के चले जाए, ऐसा नहीं। आज हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपको और हमको बुलाया है, उस पवित्रता में जीवन जीना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि वो कह दिया है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। आज उसके रहने का स्थान में आज आप और हम निमंत्रित किए गए हैं, आज गिराए जा रहे हैं, उस राज्य के लिए गिराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप शादी विवाह होने के लिए गिराना नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं और बहुत सारे माँ बाप लोग भी बोलते हैं, जाओ मैया बाबू लोग, आप लोग जवान हो गए, शादी विवाह पहुंचने वाला है, आने वाला है। ऐसा नहीं, ये शादी विवाह के लिए कन्फर्मेशन नहीं दिया नहीं दिया जाता है। यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास में पढ़ने के लिए, यीशु मसीह को पूर्ण रूप से पहचानने के लिए दृढ़ीकरण लिया जाता है। ऐसा ना सोचे कि शादी के लिए विवाहपन लिया जाता है, दृढ़ीकरण लिया जाए, कन्फर्मेशन लिया जाए, ऐसा बात नहीं है। यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास, पूर्णता, पवित्रता और सिद्धता के साथ जीवन जीने के लिए लिया जाता है, कि हम सिद्धता और पवित्रता के साथ आगे बढ़े। आ जाइए, इतने सारे बच्चे आज अपने सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए और पूर्णता का जीवन जीने के लिए आज प्रतिज्ञा करेंगे, जिसको धर्म माता पिता और माता पिता ने स्वीकार किया था, उस स्वीकार को स्वयं स्वीकार करके अपने जीवन को मसीह में समर्पित कर जीवन जीना चाहते हैं। ये समर्पित आज के दिन के लिए केवल नहीं, पर हमेशा समर्पित का जीवन जीना है। जैसा प्रेरित लोग 120 प्रेरित लोग यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा आई तो उन्हें सामर्थ पाया, उसी तरह से हमें प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, पवित्रता का जीवन जीना है, कि हम परमेश्वर के राज में एक दिन परमेश्वर के अनंत जीवन का फल को प्राप्त कर सकें। नहीं, वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को आपके से पिंतेकोस्त के अवसर पर, कन्फर्मेशन के अवसर पर और आपके इस पवित्र प्रभु भोज के अवसर पर आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे, क्योंकि आपको लहू के द्वारा से मोल लिए गए, उस लहू की कीमत को आज हमें जानना। ये साधारण लहू नहीं है, उसने परमेश्वर के पास आने का अधिकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मिला, किसी और दूसरे के लहू के द्वारा से नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें मिला है। इस बात को नोटिस करना है, क्योंकि आज के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर के पास आने का अधिकार मिला है। उसके पास आने का अधिकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मिला है। इस लहू को आज हमें समझना है। मेरा एक स्टूडेंट पूछा था कि परमेश्वर को किसने बनाया। मैं बोला परमेश्वर को कोई बनाया नहीं, खुद बन गया है।
परमेश्वर को कोई नहीं, आप माता पिता के जैसा नहीं सोचना है। तो आप परमेश्वर को किसने बनाया, बोलने से क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? परमेश्वर को बनाया कोई नहीं बनाया। परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान है और वो अपने में संपूर्ण परिपूर्ण है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। हम मनुष्य ऐसा ना सोचते कि हर कोई उसको भी बनाया हो, आप भी आप ऐसा ना सोचते कि हमको मनुष्य या माता पिता बनाया है, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर आपको बनाया माँ के गर्भ में अद्भुत है। चले कोई ऐसा ना सोचते कि परमेश्वर को किसने बनाया, हमको तो मनुष्य बनाए माता पिता ऐसा सोचते हैं ना। माता पिता नहीं बनाए, लेकिन परमेश्वर आपको बनाया, इसलिए परमेश्वर को ही धन्यवाद देते हुए जीवन देना है। निमंत्रण के द्वारा से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या हुआ हमारे पहले पान प्रार्थना में हुआ है। अनुग्रहकारी स्वर्ग आप प्रीति के श्री जन्हा प्रभु, धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रभु आज की सुंदर और आशीषित दिन के लिए। पिता आप पिता परमेश्वर आज विशेष तौर पर पवित्र आत्मा का दिन है प्रभु, और आज के दिन में पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे जवान जीवन की बेटे बेटियाँ आज इस दिन में प्रभु यीशु मसीह भी खेले जाएंगे और पिता परमेश्वर को इन सबों को पवित्र आत्मा का आशीष प्रदान होगा। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता सचमुच आज आपके दास आपके बेटे के द्वारा से जो भी वचन हम सबों को बतलाया गया प्रभु, उस वचन पर पिता परमेश्वर हम चलने के लिए हर एक जवान युवती बेटे बेटियाँ हम सभी माता पिता होकर के प्रभु जी हम तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ में चल सके। हे प्रभु परमेश्वर इसमें तू हम सबों की सहायता और आशीष को प्रदान कर प्रभु, तू हम सबों के साथ में है। लेकिन पिता परमेश्वर हम सभी आपको ग्रहण नहीं कर पाते हैं प्रभु, इसलिए भी पिता परमेश्वर आप हम सबों को क्षमा कीजिए और आगे के जीवन के लिए हम पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उपस्थित नहीं हैं प्रभु, हम सबों को तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से संचालित कीजिए ताकि प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु